खूबसूरत, साफ सुथरा, जो कि वॉलंटियर्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नामुमकिन है। तो वॉलंटियर्स को सबसे बड़े वॉलंटियर से मिलवाने के लिए और आज की तकरीब का बाकायदा इफ्तिताह करवाने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ आज की इस शख्सियत चीफ गेस्ट सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में एमरजेंसी सर्विसेज की बुनियाद रखी और इसको कौमी मुत्तहिदा से सर्टिफाइड कराया और जनूबी एशिया के लिए पहली सर्टिफाइड टीम का एजाज हासिल किया। आज एक तारीखी दिन है। तारीखी दिन इसलिए है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि आलमी सतह पे भी एक ऐसा दिन है कि जहाँ पे जो असल हीरोज होते हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो रजाकार होते हैं, उनको सलाम पेश करने का दिन है। जो अपना टाइम, अपनी रिसोर्सेज, हर चीज को रजाकाराना तौर पे बगैर किसी एक फायदे के अपना एफर्ट पूरी करते हैं और कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम करते हैं। जो 36 टीमें हमारे सारे जिलों से आई हैं, उसके अलावा 6 एनजीओस पार्टिसिपेट कर रही हैं, एकेडमिया से तकरीबन 9 टीमें हैं जो इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं, इस बार पाकिस्तान आर्मी से भी टीम है जो कि आई हुई है इस वक्त, और 2 ऑब्जर्वर टीमें हैं और उसके साथ साथ श्रीलंका से भी इस बार टीम आ रही है, जो कि मुझे बहुत खुशी है कि ना सिर्फ ये पंजाब से बाहर भी बल्कि जनूबी एशिया में आज ये कॉम्पिटिशन और ये चैलेंज आ रहा है। इस 6 इंटरनेशनल वॉलंटियर डे सर चैलेंज यानी कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स के चैलेंज का बाकायदा इफ्तिताह का ऐलान करता हूँ। गुड लक टू ऑल, पाकिस्तान, हैदराबाद।